आज जो भक्तियां चल रही है उसमें समस्या है, कोई गुरु स्ट्रिक्टली नहीं बोल रहे नियम, ऊपरी तौर पर कह देते हैं। मैं तो दीक्षा देने पर स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ, सात नियम का पालन करना होगा, पहले तैयार हो तो आ जाओ नहीं तो जाओ। सत्य बोलना, मांस न खाना, शराब न पीना, परस्त्री का मन न करना, चोरी न करना, जुआ न खेलना, हक की कमाई खाना, ये टफ है। इसलिए कुछ लोग सोचते बाप रे बाप हमें ये भक्ति नहीं करनी। ये कलयुग का आदमी मांस खाना चाहता है, परस्त्री का मन करना चाहता है, चोरी करना चाहता है, गंदे काम करना चाहता है, ठगी मेहमानी करना चाहता है और भक्ति भी करना चाहता है। स्वामी मधु परमहंस जी, जिनका अद्भुत नाम लेते ही मन मधुबन बन जाता है, जिनकी वाणी सुनते ही हृदय पुलकित हो उठता है, ध्यान लगते ही आत्मा आलोकित हो परमात्मा के दर्शन करने लगती है, ऐसे श्री सतगुरु की महिमा का वर्णन कहाँ तक करें जो अनंत हैं। अनादिकाल से सृजन से ही मनुष्य परमात्मा की खोज कर रहा है। इंसान ने परमात्मा की खोज दुनिया बनने के साथ ही शुरू की। मनुष्य इस सृजन का सबसे बेहतरीन, सबसे अकलमंद, सबसे सजग प्राणी है। इसके दिल में परमात्मा का विचार आया। ये परमात्मा का विचार अनायास नहीं आया। मानव ने सृजन देखा। जैसे हम कोई अच्छी गाड़ी देखते हैं तो फौरन विचार आता है कि कोई वैभवशाली आदमी की गाड़ी होगी। अच्छी कोठी देखते हैं तो ख्याल आता है किसी धनवान की कोठी होगी। इसी तरह मनुष्य ने जब सृजन देखा, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, पवन, आकाश, तो परमात्मा का ख्याल आया होगा। एक बार मेरे पास एक वैज्ञानिक आया, मुझे कहने लगा विज्ञान परमात्मा को नहीं मानता है। मैंने कहा जितना विज्ञान परमात्मा को नज़दीकी और ठीक से जानता है इतना तो एक भक्त भी नहीं मानता है। मैंने कहा वैज्ञानिक है तो ये सृजन कैसे हुआ? बोला खुद ब खुद बना। मैंने कहा खुद ब खुद बना ना, अभी तक आपने खुद ब खुद कितनी चीज़ें बनती हुई दुनिया में देखी। ये मकान देखो, ये इंसान ने बनाया। ये शामाना खड़ा है, ये इंसान ने बनाया। ये स्टेज है, ये इंसान ने बनाया। किसी ने बनाया है। मैंने कहा देखो आपकी आँखें हैं, इनमें एक सिस्टम है, देख रही है, रंगों को पहचान रही है। आपके कान हैं, इसमें एक सिस्टम है, सुन रहे हैं, ये खुद बन गए। आपके शरीर के संचालन के लिए इम्पोर्टेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी हैं, किडनी हैं, लीवर हैं, ब्रेन हैं, हार्ट हैं और शरीर के अंग प्रत्यंग हैं, सभी लगता है सुनियोजित और एक बेहतरीन तरीके से बनी चीज़ें। फिर भोजन खाने के लिए इस वसुंधरा के गर्भ में सभी आवश्यक चीज़ें हैं। शरीर के संचालन के लिए जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश की आवश्यकता, वो सब उपलब्ध हैं। ये पूरा मामला वेल सेट लगता है, खुद ब खुद नहीं है, ये पूरा वेल सेट है। आप कैसे कह रहे हैं कि नहीं? थोड़ा सा तो विचार करो ना। आप दूर नहीं जाएं, शरीर की संरचना को देखें। आप में मेमोरी है, आप में याद है, आप क्रियाएं कर रहे हैं, कर्म ज्ञान इंद्रियां हैं। पैर बने तो तलवे में थोड़ा सा टर्न है, हाथ बने उंगलियां तो इधर फोल्ड दिए हुए हैं। नहीं लगता है किसी कलाकार ने ये पूरी चीज़ें बहुत वेल तरीके से सेट की हुई है? रिथमें आ रही है, पृथ्वी अपनी कक्षा में घूम रही है, रात दिन होते हो रहे हैं, गर्मी भी आ रही है, गर्मी नहीं आएगी काम नहीं चलेगा, सर्दी नहीं होगी काम नहीं चलेगा, बरखा नहीं होगी काम नहीं चलेगा। इसके बाद भी आपको नज़र नहीं आ रहा है परमात्मा की स्थिति? एक ताकत है अलग है कि वो आदमी अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहली बात हम देखते हैं कि सृजन के प्रारंभ से इंसान परमात्मा को ढूंढता है। इसकी ये खोज बहुत लंबे टाइम से है। इंसान ने संभवतः पहले परमात्मा को कैसे ढूंढा होगा? खूब ढूंढा होगा। उसे जब बात समझ में नहीं आई, ये थोड़ा हताश भी हुआ होगा। आप मानेंगे आज तक भी परमात्मा की खोज जारी है। हम एक आधुनिक युग में हैं, कहीं गॉड पार्टिकल, कहीं कुछ वैज्ञानिक, कहीं कुछ दावा कर रहे हैं, सब मिलाकर के आदमी कंफर्म नहीं है अभी भी परमात्मा के लिए। इससे नाना मत मतांतरों का सृजन हुआ। काफ़ी सभ्यताएं और मानव धारणाएं उत्पन्न हुई परमात्मा के विषय में। हम देखते हैं मूल रूप से दुनिया के लोग तीन चीज़ों के लिए लड़ते हैं। अभी इंसान इस बात की लड़ाई नहीं लड़ रहा है कि परमात्मा है या नहीं,
हम सब ने एक सिद्धांत से एक बात स्वीकार कर लिया कि ईश्वर है। अब लड़ाई इस बात की नहीं है, अब लड़ाई दुनिया में इस बात की है कि परमात्मा कैसा है। हम सब की परमात्मा के प्रति मान्यताएं अलग अलग है। दूसरी लड़ाई है परमात्मा कहाँ रहता है इस विषय की। तीसरी लड़ाई है परमात्मा तक जाने का रास्ता क्या। दुनिया के लोग नाना संप्रदाय इस बात की लड़ाई। थोड़ा हम अपनी सोच का दायरा एक ढर्रे से अलग हटाकर ले जाएं तो एक बात का पता चलता है, हम एक संकुचित सोच में जीता है मनुष्य। बचपन से ही संकुचित धारणाएं हम सबको के अंदर आती है। आप विचार करो, छोटे बच्चे को जन्म लेने के साथ वही संस्कृति समझाई जाती है, थोपी जाती है जो एक बच्चा कर रहा है। खुले विचार नहीं है ना, हम थोड़ा खुले विचारों में आए। आइए देखें, आदमी तीन मुद्दों पर बड़ी भयंकर लड़ाई लड़ रहा है, इसलिए इंसान इंसान के खून का प्यासा भी हो जाता है। जबकि हम एक बात सब जानते हैं कि हम सब धरती पर रहने वाले मनुष्य एक जैसे हैं। हम सबको दो दो आंखें हैं, किसी को भी तीन नहीं है। हम सबको एक मुख है, किसी के दो मुख नहीं है। एक नाक है, सबको एक ही नाक है। चलने के लिए दो पैर है, अस्थिमांस लोथड़े का शरीर है। हम सबका पंचभौतिक तत्व हम सबके शरीर में विद्यमान है। कोई दाढ़ी रख करके इस तरह मुसलमान बन गया, कोई चुटिया रख करके हिंदू बन गया, कोई दाढ़ी बाल बढ़ा करके सिख बन गया, कोई टोपी पहन करके ईसाई बन गया। जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया और राहती क्यों ना आया, जो तू तुर्क तुर्कनी जाया, पेट में सुन्नत क्यों काहे न कराया, वैगर वैगर नाम धराया एक माटी के भांडे। लगता है कि ये सभी चीज़ें बाद में हमने अपनी सुविधा के अनुसार बनाई है। ईश्वरीय विधान के अनुसार एक जैसे आए हम सब एक जैसे आए। जन्मने का एक ही तरीका है, भूख लगने का एक ही तरीका है, प्यास लगने का एक ही तरीका है, सुख दुख का एक ही तरीका है। अगर अब गर्मी है तो देखो सबको गर्मी लग रही है, ऐसा नहीं है कि किसी किसी को ठंड लग रही हो यहाँ पर, नहीं। कोई माता बहन स्वेटर शाल नहीं ओढ़े हुए है, गर्म है। कोई आदमी स्वेटर नहीं पहना, कोट बूट नहीं पहना हुआ है, गर्मी है। हम सब की अनुभूतियाँ, खान पान, हंसना रोना, दुख सुख की प्राप्ति, पीड़ा दर्द की अनुभूति एक जैसी है। किसी भी एंगल से अगर हम खुले विचार से विचार करते हैं तो हम कहीं से भी हम समान ही हैं। अलग चीज़ है कोई थोड़ा मेहनत करके अमीर बन गया, ये तो ईश्वर की ओर से स्थापित नहीं था, ये तो हमारा प्रयास था। कोई कुछ निकम्मा रहा, काम मेहनत नहीं किया, गरीब बन गया। अब आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। दो भाई मेरे चले गए, हम छः थे कुल, मैं फौज में था, सूबेदार रिटायर हुआ, तीन घर में, उसमें तीनों को मैंने थोड़ा थोड़ा कार्य दिया। एक बढ़ा, उसने घर भी बना लिया अपना अच्छा। एक थोड़ा निखट्टू निकला, उसको जो पूंजी दिया वो खा पी करके ख़त्म करता गया। तीन बार पूंजी दी उसने, वो सब गोली कर दी। एक ही माँ के बच्चे थे, वो गरीब बड़ा हो गया, बच्चों की फीस भी नहीं दे पाता। सवाल उठा, उतनी पूंजी दूसरे को भी थी, ये ऐसा क्यों हो गया। इसलिए हुआ कि उसने आगे परिश्रम नहीं किया। इसी तरह कुछ लोग अगर अमीर हैं गरीब हैं तो ये अपनी क्रिया और कर्मानुकूल हैं। इसमें हम परमात्मा को दोष नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास साधन बराबर दिए थे, जरिए बराबर दिए थे। कुछ ने दुरुपयोग किया, किसने सदुपयोग किया, बस इतना सा अंतर है। ईश्वरीय विधान हम सब के लिए एक जैसा। भाई हम देखें, तीन चीज़ का बहुत बड़ा झगड़ा है संसार के अंदर। पहला झगड़ा है, इस बात का झगड़ा नहीं है कि ईश्वर है या नहीं। अब आदमी इस पर नहीं लड़ रहा है, चाहे व्यापक या गुप्त, सूक्ष्म या स्थूल तरीके से दुनिया के सभी लोगों ने परमात्मा को मान लिया है। अब दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो कह रहे हैं ईश्वर नहीं है। सब ने परमात्मा के अस्तित्व को मान लिया है। हम सब ने मान लिया आग गर्म है, हम सब ने मान लिया कि वायु में स्पंदन है, हम सब ने मान लिया कि जल शीतल है। आप कहेंगे नहीं जी, जल गर्म है, अभी आप उबाल कर रखो, थोड़ी देर में फिर ठंडा हो जाएगा, उसकी जो तासीर है शीतल है। इस तरह हम सब ने परमात्मा को ये मान लिया, ईश्वर के अस्तित्व को मान लिया है। ये लड़ाई नहीं है अभी, लड़ाई इस दाव पर है अभी
कोई कह रहा है काला है, कोई सांवरिया है, कोई कहता है गोरा है, कोई कहता है स्त्री है, कोई कहता है पुरुष है, कोई कहता है साकार है, कोई कहता है निराकार है, कोई कह रहा है जवान है, कोई कहता है बूढ़ा है, कोई कहता है रामलला है बालक है, कोई कहता है कुछ है, कोई कह रहा है अग्नि है, कोई कह रहा है जल है। संभवतः इंसान परमात्मा की खोज में हताश हुआ है। फिर आदमी हताश होकर कई विचारधाराओं को अपनाया है। ऐसा हुआ होगा जब इसने आदिकाल में खोज करते करते थक गया होगा तो इसने मान लिया होगा आकाश ही परमात्मा है, इसलिए निरंकारी आकाश शून्य को ही परमात्मा मान लिया। कुछ ने सोचा जीवन के लिए जल जरूरी है, उन्होंने कहा जल ही ईश्वर है। अभी भी गुजरात में भी काफ़ी लोग हैं जल को परमात्मा मानने वाले, सिंध में भी है। इसी प्रकार से कुछ ने मान लिया पवन के बिना जीवन नहीं, वो पवन देव को मानने लगे कि पवन ही परमात्मा है। कुछ ने कहा भाई पृथ्वी माता अनाज देती है, पृथ्वी माता ही मातृभूमि सब कुछ है। कुछ ने कहा भाई अग्नि और ताप के बिना कुछ भी नहीं रह सकता, वो अग्निदेव को मानने लग गए। लेकिन आदमी संतुष्ट नहीं हुआ, विविध मान्यताओं के बाद भी आदमी संतुष्ट नहीं हुआ। जिसने शिव पुराण पढ़ा उसने कहा शिवजी सच्चा परमात्मा है, जिसने विष्णु पुराण पढ़ा बोला भाई विष्णु ही सर्वशक्तिमान है, जिसने भागवत पुराण पढ़ा देवी पुराण पढ़ा देवी को आदि शक्ति माना। इस प्रकार से जो आदमी जिस चीज को पकड़ा, लेकिन सब मिलाकर आदमी संतुष्ट नहीं है। मेरे पास नाना मत मतांतर के लोग आते हैं, बातचीत और डिस्कस करते हैं। मैं उनको एक प्रार्थना करता हूँ, मैं कहता हूँ एक बात सुनो, सच्चाई तो स्वीकार करो ना, तुम संतुष्ट नहीं हो चाहे जिस भी पंथ में हो, तुम जहां पर हो तुम संतुष्ट नहीं हो। अगर तुम संतुष्ट होते तो तुम्हें मेरे पास आने की आवश्यकता क्या थी? तुम संतुष्ट नहीं हो, तुम जानना चाहते हो लेकिन तुम ज्ञानी बनकर के जानना चाह रहे हो, नहीं तुम बालक बनकर जानने का प्रयास करो, तो सहज होकर के जानो। देखो हम बच्चों को सब कुछ सिखाते हैं, वो सिंपल है ना, वो पूछते हैं मम्मी ये चांद क्या है, मम्मी ये पानी क्या है, मम्मी ये फलानी चीज़ क्या है। माँ उस बच्चे को सरलता से बताती है, तुम बहस करके ज्ञान कैसे ले रहे हो, कहीं ना कहीं तुम्हें शंका है, शंकाओं का निराकरण करो, पूछो उत्तर मिलेगा। लेकिन एक बार एक आदमी मुझसे काफ़ी डिस्कस कर रहा था, मैंने एक ही सवाल पूछा, मैंने कहा एक बात बताओ तुम मुझे ज्ञान देने आए हो या मुझसे ज्ञान लेने आए हो। मैंने एक सहज सवाल किया उससे, मैंने कहा पहले मुझे ये बताओ तुम किस अभिप्राय से आए हो, तुम मुझे ज्ञान देने आए हो या मुझसे ज्ञान लेने आए हो, पहले मुझे ये बता दो। तुम अपना लोहा मुझसे मनवाने आए हो या मुझसे कुछ ग्रहण करने आए हो, तुम ये बताओ, उसके बाद मैं तुमसे फिर उसी तरीके से पेश आऊं। अगर तुम मुझे ज्ञान देने आए हो तो मैं एक बात कहूंगा, चाहे तुम्हें किताबी ज्ञान है अनुकरणीय नहीं है, तुम्हारी शादी हो गई चार पांच बच्चे हैं, मैं एक सन्यासी हूं, तुम माया में हो इंद्रियों के अधीन हो, मैं इंद्रियों का दमन तो कर रहा हूँ, इसलिए कहीं ना कहीं से जब देखोगे तो एक बार एक महात्मा ने मुझसे सवाल किया, आत्मज्ञानी की पहचान क्या, भाई हम देखते हैं हम महात्माओं के और भेष के खिलाफ नहीं है, क्योंकि भेष तो प्रचारक का द्योतक है, इसलिए भेष की भी निंदा नहीं की जाए, भेष की भी निंदा ठीक नहीं है। मैं खुद एक सन्यासी हूँ, मुझे किसी भी भेष से शिकायत नहीं है, खड़दर्शन है हमारे देश में। तो उस महात्मा ने मुझसे एक सवाल पूछा कि आत्मज्ञानी को कैसे पहचान, भाई देखिए पहलवान को कैसे पहचाने, जैसे भाई पहले उसकी पर्सनैलिटी बताती है कि ये आदमी मल्ल कुश्ती करने वाला है, उसकी जरूर मसल्स होगी, पर्सनैलिटी होगी। अब दुबला पतला आदमी कहे मैं बहुत बड़ा पहलवान हूँ तो आपको शंका आएगी कि भाई देखो कुश्ती में तो उठा पटक है, गिराना घुलना है, दुबला पतला होगा हड्डी बड्डी टूटेगी,
तो उसकी मसल्स हैं, पहले वो पहचान है। इस तरह आत्मज्ञानी की कुछ पहचान है। आत्मज्ञानी की पहचान उसकी जटाएं नहीं होती है, उसकी लंबी लंबी दाढ़ी नहीं होती है, उसका भेष नहीं होता है। वेद में एक श्लोक है, गुणानिधि पूजा गुण नस्लिंग वस्त्रम। किसी भी गुणवान और ज्ञानी की पहचान उसके अवस्था, वस्त्रों और अलंकारों से नहीं होती है। एक आत्मज्ञानी की एक अच्छी पहचान है, पहली कि वो इंद्रियों का आनंद नहीं लेता है। जो एक आत्मज्ञानी है वो इंद्रियों का आनंद नहीं लेगा, पहली पहचान है। भाई शाकाहारी की क्या पहचान है, मांस नहीं खाएगा, उसकी पहचान ही यही है, मांस नहीं खाएगा। और मांस खा करके कहे मैं शाकाहारी हूं, ये नहीं हो पाएगा। शाकाहारी की पहली पहचान है मांस न खाना। आत्मज्ञानी की पहली पहचान है इंद्रियों का नियंत्रण। हमारे शरीर में 14 इंद्रियां हैं, वो क्यों है वो बताता हूं। जैसे पहलवान को दो चीज चाहिए, एक तो मसल्स पावर, दूसरा लड़ने की कला, दाव पेच। इसलिए कहते हैं ताकत वजीर दाव बादशाह, कुश्ती में कहते हैं ताकत वजीर। वजीर कहते हैं मंत्री को, कुश्ती में ताकत मंत्री है और दाव जो है वो है बादशाह। कभी कभी तगड़े आदमी है उनको कुश्ती लड़ना नहीं आती है, तो कम ताकतवर वाला भी उसको कहीं धोबी पछाड़ वाला, कहीं काला जांग वाला उसको पछाड़ देता है, पीठ लगा देता है ना, ताकत ज्यादा भी हो। इसी तरह एक आत्मज्ञानी इंद्रियों पर पहले उसका नियंत्रण हो, जो आत्मज्ञानी है वो क्यों, क्योंकि हमारे शरीर में जो आत्मा है वो उलझी हुई है। आत्मा अपने को शरीर मान करके जी रही है। देखिए आत्मा कैसी है, आत्मा की मूल 5 प्रकृतियां हैं। रामायण में भी कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। पहला आत्मा अमर है, दूसरा चेतन है, ये चेतन नहीं है, ये चेतन नहीं है, ये मसलन चेतन नहीं है, आत्मा चेतन है। इसलिए किसी भी प्राणी को देखना, चाहे किसी भी शरीर में आत्मा है वो बहुत चेतन है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक बार बगीचे में मैं लड्डू खा रहा था, बूंदी के लड्डू, तो लड्डू कई बूंदियों का समावेशन होता है, उनको फिर मुट्ठी से बांधते, एक बूंदी उसमें से गिर गई, एक चींटी आई उसको उठाने लगी, उसे नहीं उठा। चींटी ने बड़ा खींचने का प्रयास किया, उसके वजूद से बाहर था, चींटी चल पड़ी। जितनी दूर पंचाल बैठे हैं मैं चींटी के पीछे पीछे हो गया, मैं कहा देखता हूँ ये क्या कर रही है अभी। चींटी वहां चली गई, एक बिल में घुसी। जब चींटी बिल से बाहर निकली तो 12-13 चींटियां उसके साथ थी। वो जो पहले वाली चींटी थी बड़ी देर में, उसको आधा घंटा देखा ना, मार्किंग में थी, आगे वो थी, बाकी को अपने पीछे पीछे ले आ रही थी। वो उसी जगह आई जहां बूंदी का दाना था, चारों तरफ चींटियां फैल गई उसे उठाने के लिए। जरूर किसी ने लीडिंग किया होगा ना कि भाई तू उधर से लग, तू इधर से लग, तू इधर से लग, कुछ ना कुछ तो संकेत रहे होंगे ना। चींटी जब मकान में गई अंदर तो उनको बोला होगा ना जाकर, बहुत माल मिला है मुझसे नहीं उठ रहा है, तुम सब मेरे साथ चलो उठा के लाए, कुछ ना कुछ तो कहा होगा ना। अरे भाई कोई ना कोई बात तो बोली होगी ना। नाम गुरु का तू ले
सत्संगी। स्वामी मधु परमहंस जी, जिनका अद्भुत नाम लेते ही मन मधुबन बन जाता है, जिनकी वाणी सुनते ही हृदय पुलकित हो उठता है, ध्यान लगते ही आत्मा आलोकित हो परमात्मा के दर्शन करने लगती है, ऐसे श्री सतगुरु की महिमा का वर्णन कहाँ तक करें जो अनंत हैं। एक बार बगीचे में मैं लड्डू खा रहा था, बूंदी के लड्डू, तो लड्डू कई बूंदियों का समावेशन होता है, उनको फिर मुट्ठी से बांधते, एक बूंदी उसमें से गिर गई, एक चींटी आई उसको उठाने लगी, उसे नहीं उठा, चींटी ने बड़ा खींचने का प्रयास किया, उसके वजूद से बाहर था, चींटी चल पड़ी। जितनी दूर पंचाल बैठे हैं मैं चींटी के पीछे पीछे हो गया, मैं कहा देखता हूँ ये क्या कर रही है अभी, चींटी वहाँ चली गई, एक बिल में घुसी। जब चींटी बिल से बाहर निकली तो 12-13 चींटियां उसके साथ थी, वो जो पहले वाली चींटी थी बड़ी देर में उसको आधा घंटा देखा ना, मार्किंग में थी, आगे वो थी, बाकी को अपने पीछे पीछे ले आ रही थी, वो उसी जगह आई जहां बूंदी का दाना था। हम देखना, चारों तरफ चीटियां फैल गई उसे उठाने के लिए, जरूर किसी ने लीडिंग किया होगा ना कि भाई तू उधर से लग, तू इधर से लग, तू इधर से लग, कुछ ना कुछ तो संकेत रहे होंगे ना। चीटी जब मकान में गई अंदर तो उनको बोला होगा ना जाकर, बहुत माल मिला है मुझसे नहीं उठ रहा है, तुम सब मेरे साथ चलो उठा के लाए, कुछ ना कुछ तो कहा होगा ना, अरे भाई कोई ना कोई बात तो बोली होगी ना, इतनी सी तो चीटी है, इसका मतलब अकल भी थी मेमोरी भी थी, क्योंकि आत्मा पीछे खड़ी हुई है ना, वो चींटी उनको कुछ ना कुछ तो कहा होगा ना, भाई मेरे साथ आओ वहाँ पर बहुत बड़ा हमें माल मिला, उसके लिए तो वो पहाड़ था और गाइड कर दिया ही उधर, फिर चारों कुछ ना कुछ तो कहा होगा ना, चारों तरफ लगो उठाओ, उठाकर चली। जब थोड़ी थक गई तो रख रही थी, जैसे आप हम सब क्या करते हैं वजन उठाया, तो फिर वो क्या कर रही थी, साइड चेंज कर रही थी, जो इधर लगी वो घूम कर उधर आ रही थी, तो वो कह रहे होंगे ना आपस में कि भाई मेरा हाथ थक गया, तू अभी इधर आ मैं इधर, कुछ ना कुछ तो उनका इशारा रहा होगा ना कोई तो भाषा रही होगी ना कुछ तो बोला होगा। वो एक घंटा में ये खेल देखा, वो चींटी वहां लेकर के आई वो बूंदी का दाना, अब कुछ अंदर की तरफ घुसी कुछ बाहर से, अब खींचे नहीं जा रहा था वो, क्योंकि छेद छोटा था दाना थोड़ा बड़ा था, वो फिर बाहर आई, चार टुकड़े किए काट कर उन्होंने, कि कोई ना कोई तो लीडिंग कर रहा होगा, उसने बोला होगा ऐसे नहीं जाएगा, इसके भाई चार टुकड़े करो, जैसे हम लोग कोई चीज़ें वजनदार उठा रहे हैं तो एक दूसरे को कहते हैं ना भैया अब तू इस पास आ, उन्होंने ज़रूर कहा होगा ना कि भाई इसको काटो, उन्होंने चार टुकड़े किए बूंदी के, काटने लग गए चार टुकड़े करके एक एक करके अंदर ले गए। क्या ख्याल है आपका, यह आत्मदेव सब में तेरा जलवा समा रहा है, इतनी सी चीटी है, इतनी उसने इतनी सी में से प्लानिंग भी किया मेमोरी भी की, दरअसल बात यह थी इतना सा शरीर था आत्मा वही थी। आप सोचते हैं, मैंने जीवों पर बड़ी रिसर्च की है कि आप अपने बच्चे पत्नी से प्रेम करते हैं, सभी करते हैं, सभी का जोड़ा है, सभी लड़ाई भी करते हैं, ओफेंसिव डिफेंडर जो आपकी चीज़ें सब में है। मैं घास फूस के मकान में रहता हूँ, एसी में कम पसंद करता हूँ रहना, वो बहुत अच्छा होता है, उसमें सर्दी में वो गर्म होता है गर्मी में ठंडा, तो उसमें चिड़िया भी आ जाती है चूहे भी आ जाते हैं आराम देख कर। एक चिड़िया का जोड़ा था वो उसी में रहते थे दोनों, वो नर मादा कुछ न कुछ ले आ रहे थे, चिड़िया अपने बच्चों को खिला रहे थे। इतने में चिड़िया जब निकली तो पंखे से टकराई, उसकी गर्दन कट के गिर गई, ओ मैं कहा चिड़िया मर गई।
मैंने एक लड़के को बुलाया, मैंने कहा इसको उठा भाई गाल पे, गर्दन ही अलग हो गई। जो नर था चिड़ा, उसको पता नहीं चला। चिड़िया एक तरफ जा रही थी दाना उठाने, जो नर था वो एक तरफ जा रहा था। वो लाया दाना खाया, दस मैं लेटा अपने, मैंने कहा अभी देखता हूँ इसका रिएक्शन क्या होता है। आधे घंटे बाद जब उसको चिड़िया नहीं दिखी तो वो पुकारने लगा। जैसे आप पुकारते हैं नाम रखे, ऐसे वो भी पुकारने लगा। मान लीजिए शालू, एक ही आवाज, एक ही आवाज निकाल रहा था। हाँ, दोनों, उसको भी पता था जन्म तो चिड़िया ने दिया था बच्चों को, लेकिन चिड़े को पता था ये मेरे द्वारा है। देखा ना, उसको पता था ये मेरे द्वारा है। अब वो क्या कर रहा था, बच्चे पांच छह थे, सभी मांग रहे थे, वो दाना भी खिला रहा और ढूंढ रहा है अभी अपनी मादा को। और देखा मैं, वो थोड़ा परेशान हो गया, थोड़ी देर में वो थोड़ा परेशान हो गया। अब वो क्या करने लगा, लेकिन अपना काम भी कर रहा था। आप ही बच्चे नहीं पाल रहे, सभी पाल रहे हैं। ये डिफेंडर, ओपेंडर, मेसर, सेफ्टी आदि, ये हम सब में हैं, सभी प्राणियों में हैं। इसलिए ये धर्म अहिंसा परमो धर्म कर रहा है, किसी भी जीव को नहीं मारना। यही तो इस धर्म की महानता है, किसी भी प्राणी को नहीं मारना। ये धर्म बोल रहा है। देखा कितनी महान बात है कि संसार के 84 लाख जो भी जीव है किसी को भी नहीं मारना। आत्मवतम सर्वभूतेषु, सुनिए आप मानेंगे। वो बहुत परेशान हो गया, वो मेरे घास फूस को नोच रहा था, कहीं कहां छिपी हो, कहां हो, बेचैन हो गया वो, बेचैन हो गया। 3 दिन तक वो पुकारता रहा उसे, 3 दिन तक। फिर उसने फैसला कर लिया, नहीं है, हम नहीं मिलेगी, सुख दुख आपको ही नहीं हो रहा है, सभी प्राणियों का, बच्चे आपको ही प्यारे नहीं है, सबको है। इसलिए ये धर्म कह रहा है किसी भी प्राणी मात्र को कष्ट नहीं देना। पहला तो यही मुद्दा है और सत्य है। अहिंसा और सत्य इस धर्म के मूल दो सिद्धांत है, इसके पीछे एक रहस्य है। तो देखिए, आत्मज्ञानी, महात्मा ने मुझसे पूछा आत्मज्ञानी की पहचान क्या है। आत्मज्ञानी की पहचान है इंद्रियों पर दमन। ऐसा क्यों, वो भौतिक सुखों में नहीं जाता है, वो आत्मानंद में स्थित हो जाता है। आत्मा में आनंद कहां से आया, आत्मा में आनंद आहुत नहीं करना है। दुनिया का आदमी एक आनंद की खोज में है, और सबसे पहले हम देखते हैं इस दुनिया में आनंद कहाँ है। देख तो लें, थोड़ा खुले दिमाग से देखें, अपनी सोच का दायरा बढ़ा कर देखें। मैं 1968 में सेना में भर्ती हुआ, आज से लगभग 45 साल पहले, मेरी उम्र 63 साल है अभी। धर्मशास्त्रों का अध्ययन, संत महापुरुषों की वाणी देखी, दुनिया में जितने भी पीर, पैगंबर, ऋषि, मुनि, आचार्य, धर्मवेता, साधु, संत, जिज्ञासु, भक्त आए, किसी ने भी ये नहीं कहा दुनिया सुखों का घर है। सब ने कहा दुखों का घर है। हर आदमी से पूछना तो कहता है जिंदगी में बड़ी स्ट्रगल भोगी भोगी मैंने, बड़ा संघर्ष किया है। आप पिछले जीवन को देखो, पहली बात तो यह है कि संसार में सुख है ही नहीं है। जब जो चीज है ही नहीं तो उसकी खोज कैसी है फिर? क्या पानी के मंथन से घी मिलेगा? नहीं। अगर हम पानी को मथते जाएं तो बेवकूफी नहीं है हमारी ये क्रिया, लेकिन अचरज है। हर आदमी संसार में सुख ढूंढ रहा है, आंख बंद करके सुख के पीछे दौड़ रहा है, जब इसमें सुख है ही नहीं है तो फिर मिलेगा कहां से, जो चीज है ही नहीं। नानक दुखिया सब संसार,
साहेब भी वाणी में कह रहे हैं, कबीर तन कबीरा तन हर सुखिया, कोई न देखा जो देखा वो दुखिया, वाटे वाट हर कोई दुखिया। क्या तपसी क्या वैराग्य, इंसान पूरी उमरिया सुख की खोज और आकांक्षा में गुजारता है। हम लोग सुख को कैसे ढूंढते हैं, है ही नहीं सुख, देखते हैं पूरे जीवन को 5 मिनट के संवाद में सामने रख रहा हूं आपके। क्या ये बच्चे सुखी है? बच्चे नहीं, अपना बचपन याद रखो, सुख नहीं मिला। ये मृग मरीचिका की तरह है, रेगिस्तान में मृगा दूर क्षेत्र पर जहां जमीन आसमान मिल रहा है वहां एक तालाब सा दिखता है। ये दृष्टि विकार है, ये अपनी दृष्टि के विकार के कारण दिख रहा है। ठीक है, कभी कभी आपको आकाश में छोटे छोटे बिंदुओं के बिंदु दिख रहे हैं, वो बिंदु शून्य में देखने से बिंदु दिखते हैं ना, छोटे छोटे चढ़ते फिरते छोटे छोटे बिंदु है नहीं, वो ये अपनी दृष्टि का विकार है, वहाँ बिंदु नहीं है। तो वहाँ रेगिस्तान में वो समुद्र तालाब नहीं है पर वो दिखते हैं दूर क्षेत्र पर, दृष्टि विकार के कारण लगता है वहाँ पानी है। जो मृगा हिरण है सोचता है रेगिस्तान में पानी कम होता है, सोचता है वहाँ पानी है, दौड़ता है, दौड़ता जाता है, दौड़ता जाता है, दौड़ता जाता है, वो दूर हटता जाता है, दूर हटता जाता है, दूर हटता जाता है, वो और तेज दौड़ता है क्योंकि उसकी प्यास बढ़ गई ना, और तेज दौड़ता है और तेज दौड़ता है और मर जाता है। मेरा ये मानना है मृग मरीचिका की तरह इंसान भी सुख की के लिए तेज दौड़ता जाता है और मर जाता है, इसे कभी सुख नहीं मिलता है। संसार को मृग मरीचिका भी कहा है, मृगा हिरण को कहते हैं। आइए देखें, जब हम सब जन्म लेते हैं आप सोचते होंगे छोटे बच्चे बहुत सुख है, कुछ नहीं, बड़ी बेवकूफी की उम्र है, मलमूत्र करके उसी में पड़े रहते हैं, ये सुख है क्या भाई? साल 6 महीने तक तो बच्चा मलमूत्र करके उसी में लिपड़ लिपड़ पड़ा रहता, रोता रहता, थोड़ा सा बड़ा होता है रेंगने लगता है, उसको पता ही नहीं, कभी आग में हाथ डाल देता है, कभी किसी में हाथ डाल देता है, कभी कुछ, ये सुख है क्या? कम से कम ऐसा तो सुख नहीं होना चाहिए, ये तो मूर्ख अवस्था है। थोड़ा सा बड़ा होता है वो सोचता है बड़ा हो जाऊं तो सुख है, थोड़ा सा बड़ा होता है तब इसको कहते हैं पढ़ लिख ले, तब आदमी सोचता है पढ़ लिख लूं फिर सुख मिलेगा, पढ़ लिख लेता है अभी भी सुख नहीं मिला, ये दूर दिख रहा है मृग मरीचिका की तरह, आगे बढ़ते जाते हैं आगे हटता जाता है। जो दुनिया में सुख है मेरे भाइयों, आप में से काफी बुजुर्ग लोग बैठे हैं, कोई भी सुख नहीं पाया होगा जिंदगी में, पर इस पर कोई चिंतन नहीं कर रहा है। अब विचार आता है ओ भाई जॉब मिल जाए तो सुख मिलेगा, अब वो जॉब के लिए परेशान है, चलो ले देकर जॉब मिल गया अभी भी सुख नहीं मिला, अब आगे कल्पना ही होती है ब्याह करने पर सुख हो जाएगा, लो भैया ब्याह भी हो गया अभी भी सुख नहीं हुआ, फिर कहते हैं बेटा आ जाए तो कहीं सुख हो जाए, चलो भैया बेटा भी आ गया अभी भी सुख नहीं मिला और ज्यादा फजीहत, अब उसका लेटर उठाओ पेशाब उठाओ मलमूत्र उठाओ पढ़ाओ लिखाओ दुनिया भर खजल, फिर सोचते हैं ये बड़ा हो जाए तो सुख मिलेगा, अच्छा बेटा भी बड़ा हो गया इसका ब्याह करें तो छुट्टी मिले, बहू आ जाए घर में घर संभाले, तो जो पुरानी माइयां बुढ़िया हैं वो बेचारी अनपढ़, जो आजकल लड़कियां हैं टी शर्ट पैंट जीन्स वो है एडवांस, वो सास को रखती है ठेंगे पर, सास को बना देती है नौकरानी, वो जानती है अनपढ़ जाहिल, चलो अच्छी लड़की भी आ गई अब सुख कहां से मिला। उसके बाद फिर क्या होता है, इतने में वो खुद हो जाता है बूढ़ा, मामला पूरा ढीलम ढीला हो जाता है, दांत गिरने लग जाते हैं, देखो 5-6 दांत मेरे भी गिर गए क्योंकि ये ज्यादा दिन रहेंगे नहीं, इनकी जड़ बड़ी भारी के थोड़ी कैल्शियम की कमी हुई, चले जाएंगे हिलेंगे खुद ही, मामला ही ढीलम डाला है। फिर आदमी सुख नहीं मिला क्या कहता है, हे भगवान ले चलो अपने साथ कर, है तुमने बड़ी देर लगा दी, ठीक है ये बात पहले ही सोचना था कि यहां सुख ही नहीं है, अब वो कहता है प्रभु ले चल अपने पास, तुमने बड़ी देर कर दी, पहले ही सोचना है
ये बुढ़ापा बड़ी नकारात्मक उम्र है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, बच्चा और बूढ़ा एक जैसा हो जाता है, मेमोरी कम हो जाती है, जो काम बोलो नहीं वो ही करेगा। संभालना बड़ा मुश्किल होता है बूढ़े बूढ़ी को उसके बाद में। यह उम्र नकारात्मक है, इसमें अगर कोई सोचे कि मुझे सुख मिला, कभी नहीं मिल सकता है। सब मिलाकर हाथ झाड़ जो चले जुआड़ी, सब मिलाकर के ऐसा होता है जैसे जुआ खेलने वाला हारने के बाद कहता है हाय आज क्यों खेला। भजन बिन बीतल जात गड़ी, इस तरह पूरी जिंदगी की कहानी है, ये एक दो आदमी की कहानी नहीं है, हम सबको देख रहे हैं, सबकी एक ही कहानी है। हमारे शरीर के अर्गन से ऐसे बने हैं, चाहे कितनी भी सावधानी बरतोगे ये हृदय डेली, आपको आश्चर्य होगा सुनकर, हमारा ये हृदय 24 घंटे में करीब करीब 50 से 100 लीटर ब्लड पंप फिल्टर करता है, क्योंकि लगातार हार्ट से ब्लड सर्कुलेट हो रहा है। और जीवन में ये हृदय लाखों लीटर ब्लड फिल्टर करता है। आखिर ये हृदय लोहे का तो नहीं है ना, मांस का ही तो लोथड़ा है ना, ये पंपिंग करता रह रहा है, ये नहीं थक जाएगा, ये कमजोर नहीं पड़ेगा, ये पड़ जाएगा। हमारी किडनियां है, हमारे फेफड़े हैं, कितने कोमल है, बाहर फेफड़े दिखा दें लटका कर आदमी के तो आदमी डर जाएगा, इतने कोमल है, आंतें कमजोर हो जाएगी सब कुछ। ये जीवन जिस लक्ष्य के लिए मिला इंसान ने वो लक्ष्य पूरा नहीं किया, इसलिए प्रवचन बहुत जरूरी है। भजन बिन बामरे तूने हीरा जन्म गवाया, चेत सवेरे बामरे फिर पाछे पछता है। तो इस दुनिया में सुख नहीं है, और सबसे बड़ा दुख क्या है वो बताता हूं, यहां बहुत बड़ा दुख है, जन्मना दुख, मरना दुख। गर्भ में तूने किया था कॉल, तुझे याद है कि नहीं याद है। देखो ये बाबा जी बैठे ना, अभी मुंह ऐसे अंदर दब गया, बंदर की तरह हो गया, लेकिन जब ये अपनी जवानी में रहे होंगे सुंदर रहे होंगे, चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, पूरा मामला ही डुलमुल हो जाएगा। नानक कुछ नहीं थर जगत में, कुछ भी स्थिर नहीं है, ये दुखों का घर है। और पहला दुख जन्मना, ये बहुत बड़ा दुख है, और मरना ये बहुत बड़ा दुख है। कभी आपने इस दुख पर भी विचार नहीं किया कि जन्मना कितना बड़ा दुख है, मरना कितना बड़ा दुख है। माता के गर्भ में तूने किया था कॉल, तुझे याद है कि न याद है। मात गर्भ में बहुत बड़ी समस्या मिलती है, ये मैथुन सृष्टि है, सभी मात गर्भ में से जन्म ले रहे, वहां तीन दुख है, और एक आध दिन नहीं लटके थे वहां, 9-10 मास। कुछ माताएं तंदुरुस्त है, 9 महीने में बच्चे को बेचर कर लेती है, उनकी शक्ति है शरीर, कुछ 10 में कर पाती है, इसलिए 9-10 मास इसका ड्यूरेशन है। एक तंदुरुस्त आदमी को अगर आधा घंटा उल्टा लटकाओ तो कहेगा मेरे भैया सीधा कर दो, मुझे जो कहो वही करूंगा। आप 9-10 महीने उल्टे लटके थे, ये बहुत बड़ी सजा थी, ये छोटी सजा है क्या? मात गर्भ में औंधे मुंह झोला, वो आप ही तो थे, वो हम ही सब तो थे। से दिन काहे भूला, ये बहुत बड़ा दुख था। दूसरा दुख है वहां जठराग्नि 98.4 तापमान है मनुष्य के शरीर में, अच्छे अच्छे पदार्थ हम सब खाते हैं जिनमें खुशबू है, सेब संतरा केला अनार, इनमें महक है, 7-8 घंटे बाद विष्ठा बनकर बाहर आते, कितनी दुर्गंध है हीट के कारण, उसमें आपकी बॉडी पकी। एक शुक्राणु तो वहां स्थापित हुआ, मांग की नाभि के द्वारा ब्लड तो वहां पहुंचा, ब्लड उस ईट में पका, जैसे भट्टे में ईट पकती है, आपका जिस्म वहां पका, बहुत पीड़ा थी,
कहते हैं कुंभी नरकों से भी ज्यादा माता के गर्भ में पीड़ा मिली। नाम गुरु का सत्संगी, नाम गुरु का मन रंगी, नाम गुरु का तू ले सत्संगी। स्वामी मधु परमहंस जी, जिनका अद्भुत नाम लेते ही मन मधुबन बन जाता है, जिनकी वाणी सुनते ही हृदय पुलकित हो उठता है, ध्यान लगते ही आत्मा आलोकित हो परमात्मा के दर्शन करने लगती है, ऐसे श्री सतगुरु की महिमा का वर्णन कहाँ तक करें जो अनंत हैं। कभी आपने इस दुख पर भी विचार नहीं किया कि जन्मना कितना बड़ा दुख है, मरना कितना बड़ा दुख है। माता के गर्भ में तूने किया था कॉल, तुझे याद है कि ना याद है? मात गर्भ में बहुत बड़ी समस्या मिलती है, ये मैथुन सृष्टि है, सभी मात गर्भ में से जन्म ले रहे, वहां तीन दुख है और एक आध दिन नहीं लटके थे वहां, 9-10 मास। कुछ माताएं तंदुरुस्त है, 9 महीने में बच्चे को बेचर कर लेती है, उनकी शक्ति है शरीर, कुछ 10 में कर पाती है, इसलिए 9-10 मास इसका ड्यूरेशन है। एक तंदुरुस्त आदमी को अगर आधा घंटा उल्टा लटकाओ तो कहेगा मेरे भैया सीधा कर दो मुझे, जो कहो वही करूँगा। आप 9-10 महीने उल्टे लटके थे, ये बहुत बड़ी सजा थी, ये छोटी सजा है क्या? मात गर्भ में औंधे मुँह झूला, वो आप ही तो थे, वो हम ही सब तो थे। से दिन काहे भूला, ये बहुत बड़ा दुख था। दूसरा दुख है वहां जठराग्नि 98.4 तापमान है मनुष्य के शरीर में, अच्छे अच्छे पदार्थ हम सब खाते हैं जिनमें खुशबू है, सेब संतरा केला अनार, इनमें महक है, 7-8 घंटे बाद विष्ठा बनकर बाहर आते, कितनी दुर्गंध है हीट के कारण, उसमें आपकी बॉडी पकी। एक शुक्राणु तो वहां स्थापित हुआ, मां की नाभि के द्वारा ब्लड तो वहां पहुंचा, ब्लड उस हीट में पका, जैसे भट्टे में ईट पकती है, आपका जिस्म वहां पका, बहुत पीड़ा थी। कहते हैं कुंभी नरकों से भी ज्यादा माता के गर्भ में पीड़ा मिली। तीसरा दुख था दुर्गंध, ये त्रताप मिलते हैं, इसको कहते हैं त्रताप, तीन कष्ट। पहला औंधे मुंह झूला, भैया जी उल्टा लटके आए तो कैसा होगा, अरे 10-15 मिनट में परेशान नहीं होगा कोई भी, कहोगे सीधा कर दो भैया मुझे, मर जाऊंगा। इसलिए काफी आदमी मर भी जाते हैं, वहां बहुत बच्चे मरते हैं, भारत में और मलेशिया में बहुत बच्चे मरते हैं, डेथ रेट ज्यादा है। अभी तो थोड़ा कंट्रोल, अभी तो सब मशीनें आ गई है, चेकअप होता है, बच्चा डेड होने वाला है वो भी पता चल जाता है, सब चीजें पता चलती है। तीसरा है दुख दुर्गंध, भयंकर भीषण दुर्गंध है अंदर। अरे भाई मलमूत्र की थैलियों के साथ मुंह सटा हुआ होता है, मलमूत्र की थैलियों के बीच में मुंह सटा होता है। कभी आप नाली के पास से निकलते तो मुंह पर रुमाल दे करके निकलते हो, बड़ी दुर्गंध पीड़ा दे रही है ना। माता के पेट में स्त्री है चाहे पुरुष है, मल की भी थैली है, मूत्र की भी थैली है, उन्हीं के बीच में सटा हुआ है, वहां कोई एयर कंडीशन रूम तो बना ही नहीं है, इसी पेट में आते हैं, ओजड़ी है, मूत्राशय है, रक्त है, रुद्र है, उसी के बीच में तो ये फंसा हुआ था, ये तरताप मिले। ये तीनों ताप बहुत भयंकर है, ये बहुत भयंकर है। कहते हैं 7 कुंभी नरक हैं, उनसे भी ज्यादा कष्ट हैं जन्मने में। आपने इसको नॉर्मल ले लिया, बिसर गई बात, वाणी में आता है कुंभी नरक हैं 7,
उनसे भी ज्यादा पीड़ा मिलती है माता के पेट में। ये कुंभी नाक क्या है? कुंभ कहते हैं घड़े को। 1,00,000 योजन, 1 योजन में 8 महल होते हैं, 12 किलोमीटर, यानी 12,00,000 किलोमीटर उसका व्यास है, रेडियस है उन घड़ों का, 12 किलोमीटर, 12,00,000 किलोमीटर, 12,00,000 किलोमीटर डिप्थ है उस घड़े की। घड़ा तो समझ रहे ना, आधा, एक है विष्ठा का कुंड, एक है अग्नि का कुंड, एक है मूत्र का कुंड, एक है मवाद का कुंड, एक है गंदी बदबू वाली कीचड़ का। ये सब सप्तकुंभी नरक है। नरकों के वर्णन में इनका जिक्र आता है। अग्नि कुंड में फेंक देते हैं, वो चिल्लाता रहता है, पीड़ा मिलती रहती है। नरक की यंत्रणाओं को भी पढ़ा होगा। और मूत्र के कुंड में सड़ा हुआ पेशाब होता है, उसमें डुबकी लगाता रहता है, जैसे गर्दन ऊपर उठाए भूखर मारते यमदूत। अरे भाई, आप कह रहे हम नर्क स्वर्ग नहीं मानते हैं, तो फिर किस धर्म के हो आप? सभी धर्म तो मान रहे हैं। मुसलमान कह रहे हैं दोजख विष्ट, अरे ईसाई भी कह रहे हैं हिवन एंड हेल, हिंदू धर्म में भी कह रहे हैं नर्क स्वर्ग। ये यंत्रणाएं वर्णित है। वो 7 कुंभी नर्क है, कुंभ घड़े को कहते हैं, एक विष्ठा का उसमें डुबा देते हैं, चारों तरफ दुर्गंधी दुर्गंध है जी, कितना पीड़ादायक है। इस तरह 7 कुंभी नरक है, उनसे भी ज्यादा दुख माता के पेट में। आपके अनेक जन्म हो चुके, इस कठिन प्रोसेस से आप कई बार गुजर चुके, ये बहुत बड़ा दुख है। इसलिए आवागमन का दुख अति भारी, ये भयंकर कष्ट है, इससे बचना है। इसके लिए मोक्ष की जरूरत है। और मरने का बहुत बड़ा दुख है। जितना आपके शरीर में ब्लड है ना, वो सब चिन-चिन करके जलता है, इसलिए पीड़ा होती है। इसलिए मुर्दे को काटो, एक एक बूंद भी ब्लड नहीं मिलेगा। एक प्रोसेस होता है उस समय मौत के टाइम। इतना बड़ा कष्ट आपको मिला। एक बार एक माता की दो भैंसे कहीं चली गई। वो आई मेरे पास, बहुत दुखी थी। बोला गुरुजी मेरी दो भैंसे चली गई। कहाँ चली गई? बोला पता नहीं चला, बॉर्डर पर थे, हो सकता है वो पाकिस्तान में चली गई। भैंसों को तो पता नहीं था ना इंडिया क्या है पाकिस्तान क्या है, उन्होंने देखा हरा हरा खाने चली गई। वो बहुत परेशान थी। मुझे कहा मैं 3 दिन से रोटी नहीं खाया। मैं बोला पहले रोटी खा के आओ, आज्ञा दे रहा हूँ, जाओ रोटी खा के आओ, शरीर पर असर पड़ जाएगा। रोटी खा के आई, बड़ी उदास थी, बड़ी परेशान थी। कह रही थी मेरा पति भी बीमार है, इन्हीं भैंसों का दूध बेचकर मैं बच्चे भी पढ़ा रही थी, रोटी भी खाती थी, बहुत दुखी हूँ। मैं कहा माता एक बात सुनो, तुम्हारी 2 भैंसें गई ना, इतना दुख है? मैं तुम्हें 1 भैंस दे दूंगा। मुझे दया आ गई, मैंने कहा ये परेशान है, 1 भैंस मैंने कहा मैं दे दूंगा, ठीक है। लेकिन तू एक बात सुन भाई, कभी तुमने सोचा एक दिन तुम्हारी भैंसें, बेटे, पति, घर, जमीन, जायदाद और ये तुम्हारी काया, ये भी छीन ली जाएगी, ठीक है, कोठरी खाली कराई जाएगी, ये घड़ी हरगिज न टाली जाएगी। माता उस दिन को भी सोचना, आज तो 2 भैंसों के कारण तुम्हारा ये हाल है, जिस दिन ये सब चीज लूट ली जाएगी, ठीक है, और मोहलत नहीं मिलेगी, एक पल की मोहलत नहीं मिलेगी आपको। और ये तय है, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, आदमी मौत को ही तो याद करे बस। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शरीर गंदा रख करके जियो, नहीं नहीं नहीं, कुछ लोगों को देखता हूं रात दिन शरीर की मेंटेनेंस में लगे, आत्मा के लिए सोच ही नहीं रहे। या तन का कच गर्म न कीजिए, ये बड़ी गंदगी से बना हुआ है भाइयों, ऐसा नहीं कह रहा हूँ गंदा रहना, ज्यादा टाइम इसमें इसके सिंगार फिंगार लालन पालन में नहीं लगाओ, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मत नहाना धोना, नहीं नहीं नहीं, अपना टाइम ज़्यादा नहीं करो। मेरा एक भाई है, दिन में 50 बार कंघी लगाता है, बुशर्ट यूँ करेगा,
मैं कहता हूँ यार तू अपना ध्यान इसमें इतना लगा रखा, इतना ध्यान प्रभु में लगा, बार बार तू शर्ट को स्ट्रच करता है, बार बार गंगीले धुलाता है, क्या मामला है? हम टाइम जाया कर रहे हैं, ये बहुत गंदा जिस्म है। इसको शास्त्रों में अधम शरीर का, गंदगी से बना, गंदगी से भरा, गंदगी गंदगी, मल मूत्र के द्वार से गंदगी गंदगी, मुंह से देखो सुबह गंदगी गंदगी, नाक से देखो नकुना निकलता है, थोड़ा इधर लटके तो आप देखोगे नहीं किसी की तरफ, गंदगी गंदगी, आंखों से कीच निकलती गंदगी गंदगी, कानों में खूंट है गंदगी गंदगी, कपड़े रोज नहाते हो उतार कर दूसरे को सुंघाना बदबू आती। मैं नाम धान दिया 5 लाख लोगों को, कान से भी गंदी, कान के पास जाना पड़ता है, कुछ लोगों कान से इतनी बदबू आती है जैसे प्याज सड़ने ही जाते, वो कान नहीं साफ करते, गंदगी गंदगी, रोम रोम से गंदगी गंदगी, रोज नहाने के बाद ये हाल है। अधम शरीर बना गंदगी से, जिसे दूध हजम नहीं होता, दूध से बनी चीज भी हजम नहीं होती है, सिर्फ जीव ऐसे ही ललचा रहा है। इसको कहो तो कहें इसने तो दुनिया छोड़ी रखी है, अरे भैया ये तुम्हारे लिए भी बात लागू है ना, आत्मा की तरफ बढ़ो ना, कम से कम हमारी आत्मा का ये नेचर नहीं है। चित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व को अधम शरीरा, गोस्वामी जी रामायण में भी कह रहे अधम। अधम किसको कहते हैं? पतित खराब, अधम किसको कहते हैं? फौजी गंदे को कहते नहीं, अधम जीव है, गंदा आदमी है, शरीर को अधम कहा। साहब कह रहे हार्ड जले जस लाकड़ी, केश जले जस घासा, सोने जैसी काया जल गई कोई नहीं जान सका, शरीर की हकीकत इतनी है। सुनिए रावण के 1 लखपूत 1.25 लाख नाती ताकि घर दिया ना बाती, ये तो अच्छा है, प्रत्यक्ष अनुभूति है, गनीमत है कि मरने वाला एक चुटकी लेके नहीं जा रहा है धरती से, मिट्टी की, अगर एक मिट्टी की चुटकी भी जानी थी तो धरती खाली हो जाती, हर 3 सेकंड में एक आदमी मर रहा है, धरती खाली हो जाती, हम सब ये देख रहे हैं, क्या वजह है? गोस्वामी जी भी कह रहे हैं ये बड़ा शरीर अधम है, सभी महात्माओं में भी अधम का अनित्य है, नित्य नहीं है, ये पिंजड़ा नहीं तेरा हंसा, ये पिंजड़ा नहीं तेरा, अधम क्यों कहा वो सुनो। और इसको दुर्लभ भी कहा है, दोनों बातें आ गई, इसे दुर्लभ भी कहा है, अधम भी कहा है। अधम इसलिए एक तो ये रज भी रस से बना, सबका जिस्म गंदगी से बना, गंदगी है। दूसरा शरीर की वृत्तियां अच्छी नहीं है, 25 प्रकृतियां। तीसरा सभी इंद्रियां जो इसमें है अपने अपने विषयों की तरफ दौड़ती है, ये शरीर इस आत्मा के लिए ऐसा है जैसे शरीर पर कोढ़ पीड़ादायक है, आत्मा पर शरीर पीड़ादायक है। तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा वो दुखिया, वाटे वाट हर कोई दुखिया, क्या तपसी क्या वैरागी, जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी को दुख दुना, आशा तृष्णा सब घट व्यापी कोई महल न सुना। तो शरीर बहुत दुखों का घर है, तन धर सुखिया कोई न देखा, लेकिन आपकी आत्मा कैसी है? परमानंद भाई, आप लाजवाब चीज है, जीव बड़ा बहुत लूट में ना कुछ लेने देन, आप लाजवाब है, पर सभी शरीर बन कर जी रहे। साहब कह रहे ये पिंजरा नहीं तेरा हंसा, ये पिंजरा नहीं तेरा, अब देखिए आत्मा कैसी है भाई। अगर आप कह रहे हम शरीर ही है, अगर आप ऐसा मान रहे हैं तो फिर आप धर्म पर नहीं है, फिर आप धर्म पर नहीं है। अगर आप कह रहे हैं जो कुछ है शरीर है आत्मा नहीं है, तो फिर आप धर्म पर नहीं है। क्यों?
इस धर्म की तीन ठोस मान्यताएं हैं। पहली, ईश्वर है। अगर आप हिंदू हैं तो आपको परमात्मा के अस्तित्व को मानना है। ये धर्म ईश्वर के अस्तित्व को मानता है, ईश्वर है, ये मानना पड़ेगा। भाई जो कह रहे ईश्वर है वो हाथ खड़ा कर। अच्छा तो क्या बाकी ईश्वर को नहीं मानते? अच्छा ठीक है, देख के जो कहते ईश्वर नहीं है वो हाथ खड़ा करो। तो इसका मतलब आपने आलस किया, आपने सोचा यार कौन हाथ ऊपर उठा रहा है, छोड़ दो ईश्वर। दूसरा, ये धर्म कहता है आत्मा अमर है। ये धर्म क्या बोल रहा है? तीन मान्यता है इस धर्म की, आत्मा अमर है। जो ये स्वीकार करता है आत्मा अमर है वो हाथ खड़ा करे। सभी करते हैं, हम व्यवहार में भी देखते हैं, जब कोई मर जाता है तो कहते हैं प्रभु इसकी आत्मा को शांति देना, कहते हैं। पितृपक्ष भी चल रहे हैं, श्राद्ध भी कर रहे हैं कि कहीं पितृलोक में होगा तो कुछ मिल जाए ना। यानी हम सब सिद्धांत रूप से मानते हैं आत्मा अमर है, ठीक है। तीसरा, संस्कार कर्म इस धर्म में, कि हर एक इंसान पूर्व कर्मों के अनुसार ही रिश्ते बनते हैं, नाते बनते हैं, वो सब चीज़ें घूम कर रहती है। जो आपके रिश्तेदार हैं, आपके नातेदार हैं, आपके बाप हैं, बेटा हैं, आप बच्चे हैं, पत्नी हैं, घर के लोग हैं, ये संस्कारों के कारण से आए, ठीक है। ऐसे नहीं आए, कुछ लेनदार आए हैं, कुछ देनदार आए हैं। कर्म गत टारे ना ही डरे, तो ये धर्म तीन चीज को मानता है। तीन स्तंभ है इस धर्म के, तीन मान्यता है इस धर्म की, ईश्वर है, आत्मा अमर है, तीसरा संस्कार। हम कर्मों के अनुसार ही जन्म मरण को प्राप्त करते हैं। इसलिए देखो, किसी को दुख मिला तो कहते हैं भैया क्या करें, भाग्य में लिखा था, कहते हैं ना, कहते हैं ना। ये तीन चीजें हैं, पर इंसान जिए जा रहे हैं शरीर के लिए ही ना, आत्मा के लिए कभी नहीं। ये कैसी विडंबना है? हम ये जानते भी है कि आत्मा अमर है, और ये जानते भी है शरीर खत्म हो जाएगा, तो हमारी सभी चेष्टाएं सिर्फ शरीर तक है ना। इंसान जिंदगी में जो भी क्रियाएं कर रहा है सिर्फ शरीर के लिए ही तो। अरे भाई नौकरी कर रहा है किसके लिए? पैसा रुपया है तो शरीर की आवश्यकताएं पूरी हो, रोटी कपड़ा मकान। भाई खेती बाड़ी कर रहा है, अनाज दाना हो तो थोड़ा जीवन यापन का जरिया बने। भाई बिजनेस कर रहा है, वो क्यों कर रहा है? थोड़ा बहुत रुपया आए तो शरीर पालन पोषण हो। तो जो कुछ भी इंसान जिंदगी में काम कर रहा है, मूलतः लोग चार तरह के कर्म है दुनिया के अंदर, मूलतः दो, शुभ अशुभ, लेकिन क्रियाएं चार प्रकार की है। पहला तो कुछ लोग बिजनेस कर रहे हैं, क्या मुद्दा है बिजनेस वाले का? भाई थोड़ा नफा मिल जाए। वो बेचारे सोचते हैं चलो जीवन में बाल बच्चे हैं, शरीर का भरण करना है, इसकी आवश्यकता। बड़ा धोखा है, शरीर ऐसा बनाया माया ने कि इसे जिंदा रखने के लिए रोटी खानी खानी है, रोटी खाने के लिए धन चाहिए। अच्छा हर एक इंद्रियां भी है ना, हर एक चाहता है अच्छा अच्छा खाऊं, मेवे खाऊं, उसके लिए धन चाहिए, धन की प्राप्ति के लिए फिर मनुष्य कर्म कर रहा है, ठीक है। आत्मा का कर्म के विभाग से कोई संबंध ही नहीं है। आत्मा को भूख ही नहीं लगती है, प्यास नहीं लगती है, वो तो निराली है। जीव बड़ा बहुत लूट में ना कष्ट लेने देन, तो आदमी आत्मा का पाप होने से कोई सरोकार ही नहीं है, ये तो शरीर के कारण से है। ये बहुत बड़ी समस्या है। कुछ चलो व्यापार करते हैं, उनका क्या लक्ष्य है भाई? वो चाहते हैं, मैं ये बताना चाहता हूं कि हम सब सिर्फ शरीरियत के लिए जी रहे हैं, आत्मा के लिए कोई कुछ कर ही नहीं रहा। जा से नाता आदि का बिसर के आते हैं ठोर, ये कैसी विडंबना है कि आत्मा को मानते हुए भी हम आत्मा को जानने का ना प्रयास कर रहे हैं, ना आत्मा के कल्याण का कोई प्रयास कर रहे हैं, आत्मा को शरीर से निकालने की ना कोई कोशिश कर रहे हैं। सुदुर्लभ तन इसीलिए तो मिला, समझ की बात है। कुछ लोग भाई खेती बाड़ी कर रहे हैं, बड़ा कठिन परिश्रम करना पड़ता है, धूप गर्मी में भी वो किसान जाकर अपना काम कर रहा है। चलो भैया, कुछ लोग नौकरी करते हैं, नौकरी बड़ी बुरी चीज है, जो भी नौकरी कर रहा है उसके ऊपर कोई ना कोई बॉस होगा, भाई कोई ना कोई ऑफिसर होगा, कहना मानना पड़ता होगा, दबाव में रहना पड़ता होगा। नौकरी करना अपने को दबाना है, नौकर नौकरी मैं भी किया बॉस ने,
कभी लद्दाख भेज देते थे, कभी मरुस्थल में, कभी जंगलों में, आसाम में, तो कभी मिजोरम में जाना पड़ता था। नौकरी तो नकरी तो ठीक है, इसका नाम ही है नकरी। ये तो तीन धंधे हुए, एक चौथा और भी धंधा है, ठगी, 420, चोरी, छंडाली, घूसखोरी। आप इनको बुरा कहते हैं, बुरा जो खोजन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। मैं उनके लिए क्या सोचता हूँ बताओ? अच्छे अच्छे लोग भी चोरी करते हैं। नाम गुरु का ले सत्संगी, नाम गुरु का ले मन रंगी, नाम गुरु का तू ले सत्संगी।